शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के आंकड़े लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। खबर यह कि राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 10 केस हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बाबत पुष्टि की है। तो दिल्ली वासियों को संभल कर रहने की जरूरत है। सावधानी आप लोग बरतते रहिए, क्योंकि इस संक्रमण से बचाव आपके द्वारा बरती गई सावधानी है। पहले कोरोना का कहर हमने देखा, अब ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है और कुल केस अभी तक राजधानी दिल्ली में 10 हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बाबत पुष्टि की है। सरकार ने कड़ी निगरानी रखी हुई है, चेकिंग भी हो रही है, ट्रेसिंग भी बराबर हो रही है और हेल्थ से जुड़ी जो व्यवस्था है उसको लेकर भी राजधानी दिल्ली में सरकार ने व्यवस्था की हुई है। हर्षा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है। हर्षा, राजधानी दिल्ली में 4 नए केस की जानकारी। हर्षा मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हर्षा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो दिल्ली में भी रफ्तार बढ़ती जा रही है आंकड़ों की। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अब जो दिल्ली में टोटल जारी ओमिक्रॉन केसेस की वो लगभग 10 हो गई है। यानी कि सबसे पहले एक केस मिला था। अगर हम एलएनजेपी के डॉक्टर्स की माने तो उनका कहना है कि जो मरीज 14 तारीख को भर्ती हुए थे, जो एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी भेजे गए थे, उनकी टेस्ट रिपोर्ट आज आई है जिसमें 4 और नए ओमिक्रॉन के पेशेंट्स की पुष्टि हुई है। इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबका जो क्लोज कॉन्टैक्ट रहा है वो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से रहा है। यानी कि ये वो मरीज है जो अंतर्राष्ट्रीय विमान से दिल्ली पहुंचे, जिनकी सैंपल्स लिए गए, जिनका कोविड पॉजिटिव आया है और उसके बाद जिनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। इनके प्राइमरी और जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है वो लगभग 100 से ज्यादा है जहां से ये ट्रैवल करके आ रहे हैं। हालांकि कहना है कि एयरपोर्ट से ज्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आया, इसलिए प्राइमरी ट्रेस कर पाना अभी उसको सर्वेलेंस के तहत ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन एक खतरे की बात इसलिए भी है क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ओमिक्रॉन वेरियंट में वो काफी ज्यादा है। डेल्टा के मुकाबले 7 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है। WHO ने भी चिंता जताई है कि जितनी तेजी से ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है ये कम्युनिटी में भी स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि अब ये मामले देखने को मिल रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनमें भी ओमिक्रॉन वेरिएंट देखने को मिल रहा है। लिहाजा चिंताजनक बात है और दिल्ली में 10 बढ़ गए हैं और ये बीते तीन हफ्तों में जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत तेजी से जो क्लस्टर है उनमें इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कम्युनिटी में स्प्रेडिंग हो रही है और इनके माध्यम से जो और लोग हैं उनमें भी स्प्रेडिंग हो रही है। ठीक है हर्षा, आप नजर रखिए अपडेट के लिए, हम वापस लौटेंगे। तो दिल्ली में अब तक 10 केस ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। अगली खबर गुजरात से है। गुजरात में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट की खबर है। के पंचमहल जिले के धोगंबा में गुजरात